ये जरूरी होता है, ये जरूरी होता है, पंच परमेश्वर तीसरे अंपायर की तरफ इशारा करते हैं, और शशि मेहर जानते हैं कि ये एक फैसला जो है, एक फैसला खिलाड़ी का पूरा करियर जो है, इस मैच का करियर जो है वो बदल सकता है। चलिए साइड स्क्रीन को एक बार फिर से मुख्य अंपायर शशि मेहर खंगाल रहे हैं, क्या आखिर माजरा क्या है, दूध का दूध पानी का पानी बाहर आएगा, किसके पक्ष में फैसला जाता है, हॉट बॉयज के पक्ष में जाता है या फिर आरडीबी बॉयज के पक्ष में जाता है। दोनों टीमों की अगर देखे जाए वेंटिलेटर पर सीजन सीजन पहुंच चुकी है, दोनों टीमों का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता हुआ, किसके पक्ष में अंपायर फैसला देते हैं, एक्शन रिप्लाई को खंगाला जा रहा है, क्योंकि अगर नो बॉल होता है तो 5 रन मिलेंगे, अगर नो बॉल नहीं है तो केवल बाउंड्रीज मिलेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा रन भी, रन के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा गेंद भी मिल रही है। ये जांचा परखा जा रहा है क्योंकि ये एलिमिनेटर मैच है। चलिए आखिरकार जांच पड़ताल के बाद आखिरकार शशि मेहर अपने सहयोगी अंपायर गुरुनाथ पाटिल से बातचीत करने गए हैं, फैसला देने से पहले उनसे पूछेंगे कि क्या यह फैसला क्या है, अभी तक फैसला पेंडिंग में रखा हुआ है। 3 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता है, बाउंड्री मिली है, लेकिन नो बॉल को खंगाला जा रहा है, क्या नो बॉल है या नहीं है। शशि मेहर भाई निर्णय बता दीजिए। चलिए स्टैंडिंग एम्पायर मिस्टर शशि भोईर, जी हाँ इसे कहते हैं चील की नजर और बास की नजर, बिल्कुल सही, सटीक फैसला, नो बॉल मिला, एक्स्ट्रा गेंद भी मिली, एक्स्ट्रा रन भी मिला, यानी 5 रन यहाँ पे मुनाफे के रूप में हॉट बॉयज के खाते में। अब चाहिए 3 गेंदों में 15 रन। निखिल भोईर स्ट्राइक पर है, अब तक एक पुल शॉट मार चुके, बाउंड्रीज मिल चुकी, नो बॉल का इशारा आता हुआ, रामन पाटिल के ऊपर भी दबाव बढ़ता हुआ, 3 गेंदों में चाहिए 15 रन, कहां से मैच कहां चला जाता है। ये देखिए इस बार लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, क्या बाउंड्रीज है या नहीं है, कोशिश तो लगातार करवा रहे हैं, दोनों खिलाड़ियों की तारीफ करना चाहूंगा, गेंद को रोक लिया है, और ये देखिए निखिल भोईर 3रा रन लेने की कोशिश में, रनआउट के रूप में मैदान से बाहर जाना पड़ेगा, संजू सुतार स्ट्राइक लेने की कोशिश करवा रहे हैं लेकिन निखिल भोईर को मैदान के बाहर जाना पड़ा, एक और विकेट का पतन। News, news. दो गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता, भाई अगर मुकाबला टाई होता है तो फिर आयोजकों से पूछना पड़ेगा, हालांकि अब तक नियम यह है कि मुकाबला टाई होता है सुपर ओवर, जी हाँ अगर मुकाबला टाई होता है, एलिमिनेटर मैच है तो अगर मुकाबला टाई होता है तो सुपर ओवर के लिए जाना पड़ेगा। उमेश मुझे खुशबू तो आ रही है सुपर ओवर की, लेकिन वक्त बताएगा कि ये मैच कहाँ जाएगा। 2 गेंदों में चाहिए 13 रन, स्कोर बना है 52 52। तेरह रन चाहिए, 2 चेंडू में 13 रन पाहिजे, कंपलसरी चेसिंग नहीं है भैया, आईपीएल का नियम पहले तो ये था लिंक मैच में अगर ट्राई होता है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट देता था, लेकिन एलिमिनेटर मैच है इसलिए अगर यहाँ ट्राई होता है तो सुपर ओवर का मैच होगा। रमन पाटिल गेंदबाजी पर, सामने है संजू सुतार, आखिरी 2 गेंदे 13 रन, कमाल का मैच, ये देखिए यहाँ पे बीट कर दिया, आप मैच ले गई आरडीबी बॉयज, यहाँ पे फिर से नो बॉल मिलेगा तो ही संभव, आप तो लगभग मैच पे मोहर लगानी बाकी है आरडीबी बॉयज की टीम को। नितिन सुतार ने राहत की सांस ली होगी, जिस तरह की बल्लेबाजी की उसी अंदाज में गेंदबाजी का नजारा भी पेश किया, बॉटम से गेंद लगी शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, इसी के साथ आरडीबी बॉयज, चलो आरडीबी बॉयज लगे टॉस सेट ऐसा है, SB11 लगे टॉस सेट ऐसा है। अब मेरे साथ आवाज में बदलाव, मनोज मात्रे आगे का विवरण करेंगे।